लेकिन माजरत के साथ ये जो फैसला दिया है ये मेरे हाल में तो ठीक नहीं है और ये भी किसी दबाव का ही नतीजा है पाकिस्तान में क्या करना चाह रहे हैं नेकेड डिस्पोटिज्म तो आ चुका है यहाँ पर नेकेड आप देखिए जब पाकिस्तान की हिस्ट्री है पिछले 60-70 साल की कि जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर का ट्रायल हुआ है तो उसका ट्रायल जो ट्रायल कोर्ट होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती अब अहमद वैसे अब कानूनी ऑप्शन क्या है कि इसको फौरी तौर पर इस फैसले को मुअत्तल कैसे करवाया जा सकता है पता होता है कि ये कौन है जो ट जुडिशरी को ये तीनों ट्रायल कोर्ट्स के फैसले जो हैं वो रात दस दस बारह बारह बजे तक अदालत में बिठाए रखता है नाजरीन इमरान खान और बुशरा बीबी को जिस तरह इद्दत में नक़ वाले केस में सजा दी गई इस पर आज नून लीगी सीनियर कानून दान जंगीर जदून भी बोल पड़े और कहा कि ये इमरान खान के साथ सरासर ज्यादी हो रही है जंगीर जदून अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े जबकि पी टी आई के अहमद अवैस भी इस सवाले से जबरदस्त सबूत मंजरे आम पर ले आए जिसके बाद अब यह केस तो उड़ जाएगा आए पहले जंगीर जदून और अहमद अवैस की गुफ्तु सुनते हैं फिर इस पर तफसील से बात करते हैं बात थोड़ी सी बता दूँ जी सर ये फैसला जो है ये अपनी मिसाल आप है इस लिहाज से कि इस्लामी शरा के पेश नजर और कानून कुरान शरीफ के अहकाम को उसके मैंडेट को सामने रख लीजिए तो जो और इसमें इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये फैसला आने से पहले दो हजार बाईस में लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आई हुई है बिल्कुल इस इशू के ऊपर और उस जजमेंट में उन्होंने उसके फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसमें उन्होंने एक एक औरत ने जाके एक डेक्लरेशन का सूट दायर कर दिया कि जी मेरा मेरी जो शादी कर दी जाए जाए निकाह जो है इसको तोड़ दिया मैं तलाक ले रही हूं। और यक तरफा डिग्री ले ली उसने। अच्छा से शादी कर ली अच्छा जी उसके खामत ने उसके जब वो एक्स हस्बैंड बन गया उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर की सेशन कोर्ट में जो है और ये, तो, ये तो इसने हाँ फ केस है और ये इसने विद इन द पीरियड जो है ये इसने फॉर्म निकाह किया और ये इस तरीके से ये यक्रफा डिग्री थी वो वो एप्लीकेशन टर्न डाउन उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में चली गई जस्टिस जिया बाजवा साहब अली जिया बाजवा लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनकी उन्होंने भी वो रिट जो है वो डिसमिस की और उस पर अपनी बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दी लेकर उन्होंने कहा कि ये मैरिज जो है इसको आप ये इरेगुलर मैरिज कह सकते हैं टिल द टाइम कि वो मुदत पूरी हो जाए ठीक जो ही वो मुद्दत पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली मैरिज बिल बिकम रेगुलर ठीक है नंबर एक ठीक यहां पे सूरत हाल यह है कि ये छे साल के बाद जी देखिए उस इद्दत के पीरियड के पूरे होने के शादी होने के छह साल के बाद एक्स हस्बैंड आके ये ये कंप्लेंट कर रहे हैं आप सोचिए तो सही yeah. और कुरान शरीफ के मुताबिक ये ही इज लायबल टू बी ये तो इसको तो इसको वही सजा होगी क्योंकि उसमें का जो केस होगा उसके अंदर आपको मालूम है कि उसमें अगर वो विटनेसेस जो मुतकी और परहेजगार भी साबित ना होती हो जी। तो वो तमाम वो, वो जुर्म साबित नहीं होगा और वो जुर्म का जो जिसने ये इल्जाम लगाया है उसको सजा दी जाएगी ठीक ये ऐसा फजूल केस और इतना और इमोरलिटी की इंतहा है इस तरीके से बात करके ऑप्शन क्या है कानूनी तौर पर इमरान खान साहब के पास या उनके अहलिया के पास ये फैसले जो है आप देखिए कि कोई ट्रायल मुकम्मल हुआ आर्टिकल टेन एक टच स्टोन के ऊपर किसी एक केस को आप कह सकते हैं कि ये जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशन की और आइन की रिक्वायरमेंट जो है और कानून की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी क्यों है इस ट्रायल के अंदर तो आंसर इज नो ठीक एक को कहीं पे थ्री फोर्टी टू की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का मौका नहीं दिया गया कहीं उसको डिफेंस का मौका नहीं दिया गया कहीं डिफेंस काउंसिल जो है वो प्रोसिक्यूशन ने प्रोवाइड कर दिए और वो हेस के अंदर कहा कि जी आज ही रात को फैसला होना है बात आप देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन है जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी को ये तीनों ट्रायल कोर्ट्स के फैसले जो हैं वो रात दस दस बारह बारह बजे तक अदालत में बैठाए रखता है और मजबूर करता है कि यहां से उठना नहीं है तुम्हें ये कौन सी ताकत है क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान में क्या एक तरफ से इस अंदाज के अंदर मामला चलेंगे तो आप देखिए कि क्या होगा ये तो पेंडुलम है आज इधर है कल ये ये, तो तो ये 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 उसका बिल्कुल ठीक है ये ये अगर मैं इसको तो थोड़ा सा आगे ले जाऊं साहब ये बहसीत वकील जारी बात है हम आप लोगों से सीखते हैं अहमद अवैस हमारे उस्ताद हैं आपसे हम सीखते हैं मुझे बताया कि ये आपने ट्रायल्स भी देखे सब कुछ देखा है जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है एक तो बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं साथ जो केस आज आया जिसका फैसला आज आया ये बड़ा डैमनिंग है बरादर बड़ा डैमेजिंग है फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ऑल्सो कि आप घर तक पहुंच गए ठीक है साहब का शोर कंप्लेनेंट है इसके अंदर बिल्कुल ठीक है साहब का शोर कंप्लेनेंट है और उन्होंने कहा कि ये इद्दत में निकाह हुआ और जो फैक्ट्स उन्होंने बयान किए वो काफ़ी मतलब ऐसे हैं उनके अंदर काफ़ी मवाद है जिस तरीके से ट्रायल हुआ क्या वो इस सारे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठा रहा या क्रेडिबिलिटी की अहमियत कम हो जाती है जब हक मजबूत हो आपका क्या टेक है सर सबसे बड़ी बात ये ये हम एज ए वकील हमें एडमिट करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लोगों का ट्रायल होता है चाहे जिसका भी हो ये नहीं ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इनका आज ट्रायल हो रहा है तो सारी अदालतें भी बैठ गई हैं सब कुछ त त त त फना हो गया ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है पिछले छिहत्तर सत्तर साल की कि जब भी किसी पोलिटिकल लीडर का ट्रायल हुआ है तो उसका ट्रायल जो ट्रायल कोर्ट होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती अब हम ये बात जब दो हज़ार सतारह अट्ठारह में हमने की जी ये नैब कोर्ट के जज या ये इन्फ्लुएंस्ड हैं ये जो मियाँ नवाज शरीफ को सजा दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं तो कोई उस वक्त कोई पी टी आई का बंदा एक अहमद खान के स्वाब वो सेक्शन उन्होंने कहा था जाती हुई है या आज उसने उसने उस गोर ने कहा जी उनके साथ जाती हुई है आज तो हम देखें ना हमारा तो स्टांस वही है पर्सनली मेरा स्टांस तो वही है कि उस वक्त भी कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं थी और आज भी ट्रायल कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन इनको भी खुदा के नाजर नाजर जान के ये कहना चाहिए कि जब किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को सजा होती है तो आप मिठाइयाँ बांटते हैं आप कहते हैं जी आज नवाफ दा करें जी आज सबसे बड़ा मुजरम जो है वो अंदर हो गया तो खुदा के लिए अपने इस माइंड सेट को चेंज करें आप हकीकत पर बात करें और आपको इसमें जरूरत होनी चाहिए कि आप आप अगर लीडर के खिलाफ सही बात करते तो आप कर सके आपका लीडर आ, आप उससे डरे मत आपको नहीं कहता मुझे तो आज दिन तक किसी ने कहा जी आप अगर ने पे बात आपने गलत की है तो कह सकता हूं अपनी जरूरत के साथ कीजिए कोर्टें जो है जब पोलिटिकल लीडर का ट्रायल करती हैं कोई भी पोलिटिकल लीडर हो इंक्लूडिंग इमरान खान तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती और ये हमारी आज नहीं है पूरी जो जो बिग स्टेटमेंट टू मेक बट सर एक बात अब आज केस हुआ है बदकिस्मती से उसका जो इंपैक्ट है कानूनी तौर पर कि वो जो मैं जो फैसला मैंने पढ़ा है कि उन्होंने इस शादी को किया, उन्होंने कहा जी कि वो 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 जो उनका निकाह हुआ था, गैर है, है, उसका आता है के एग्जिस्ट नहीं करता मैरिज या वो निकाह एग्जिस्ट नहीं करता तो कानूनी ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास जंगीर जुदून साहब पहले आप बताइएगा फिर मैं अहमद वैस साहब के पास जाता हूं पहले आप बता ये देखिए मैं तो मैं बहुत माजरत के साथ मैं इस केस से मुझसे सवाल पूछे पूछेगा काफी जब से केस चला था मैंने किसी का जवाब नहीं दिया लेकिन अगर उन्होंने और केस बना दिए तो ये जरूरी नहीं था कि आप उनके अंदर जो है बेडरूम का भी केस बनाए आप अंदर घुस जाएं और ये बहुत बड़ा मतलब है बिलो द बेल्ट केस बनाया गया मैं इस पर कोई कमेंट्स भी नहीं कर चाहता और मैं क्योंकि बाकी केस आप बना रहे हैं चौदह साल से ज्यादा दे चाहे वो जुटे हैं सच्चे हैं दस साल दे रहे हैं सात साल दे रहे हैं तो क्या एक औरत खुद कहती है कि मेरा चाहे वो गलत ही कह रही है देखे ना एक देखें हमारे पास कितनी फैमिली केस आते हैं बाद जो है वो हो पे उसके उस इशू जो है बन जाते हैं कोई रिकॉगनाइज नहीं करता है। कहता है मेरा बेटा बेटी नहीं है लेकिन दालतो ने कहा है कि जब बेड प्रॉपरली बेड लॉक होता है तो उसके अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है वो उन्हीं का होता है कोई दूसरा बंदा क्लेम नहीं कर सकता इस तरह हमने एक फैमिली को एक मैरिज सिस्टम को बचाना होता है कोर्टों ने आज तक यही क्लेम किया है कि जो फैमिली लाइफ होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है लेकिन मादर के साथ ये जो फैसला दिया है ये मेरे हाल में तो ठीक नहीं है और ये भी किसी दबाव का ही नतीजा है अहमद कानूनी ऑप्शन क्या है कि इसको फौरी तौर पर इस फैसले को मअतल कैसे करवाया जा सकता है आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी जंगीर जदून ने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाए जंगीर जदून ने कहा कि दो हज़ार में जब नवाज शरीफ के खिलाफ ये ट्रायल चल रहे थे तब भी हमारी जुडिशली इंडिपेंडेंट नहीं थी और आज आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये केस चल रहे हैं तो आज भी हमारी जडिशली के ऊपर दबाव है हमारी जुडिशली इंडिपेंडेंट नहीं है ये सब कुछ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है अहमद अबैस ने कहा कि ऐसे फ़ैसले करा कर आप इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं कौन है जो इनके पीछे है जो इस तरह के फ़ैसले करवा रहा है पिछले सत्तर साल से इस मुल्क में इसी तरह के तजर्बात किए जा रहे हैं और नतीजा यह है कि आज गरीब दो वक्त की रोटी खाने से भी मजबूर है जबकि हमारे हुक्मरान अरबपति बन गए हैं वो मुल्क हमारा बेकारी बन चुका है इस ट्राइल में तो इमरान खान से डिफेंस का हक तक छीन लिया गया इमरान खान के वला भी ले लिए गए और हकूमत की तरफ से वकील दिए गए जो हकूमत की मर्ज़ी से ट्रायल चलाते रहे और आखिरकार नतीजा ये निकला कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है यही वजह है कि पाकिस्तानी अदालतें इस टाइम 149 नंबर पर हैं नाजरीन आपका इस हवाले से क्या कहना है आप अपनी राय का इज़ार कमेंट बाक्स में ज़रूर करें नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़